हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किडीज जोन। तो आज हम बनाने वाले हैं स्प्रिंकल्स। तो यहाँ पे हम स्प्रिंकल्स बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक कटोरी पानी लिया है यहाँ पे मैंने, और पिसी हुई चीनी ली हूँ मैं यहाँ पे मैंने, और मैंने यहाँ पे लिए हैं दो फूड कलर। आप कोई भी कलर के फूड कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन कलर के फूड कलर लिए हैं, और मैंने यहाँ पे एक ले लिया है एम्प्टी बाउल। तो अब मैंने यहाँ पे एक और लिया है कॉटन का, मैंने कपड़ा लिया है। आप इस तरह का कोई भी एक छाला ले सकते हैं। तो अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से अपने जो हमने बाउल लिया था उस पर टाइटली इस तरह से बांध दूंगी इसे। एक हाथ से हम इसे इस तरह से पकड़ के यूँ रोल कर लेंगे थोड़ा सा। फिर हम इसके ऊपर जो हमने वो पिसी हुई चीनी ली थी वो बिल्कुल धीरे धीरे करके डाल देंगे। एक साथ हम सारी नहीं डालेंगे, एक चम्मच डाल देंगे पहले हम, एक या दो, पर हम एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने से वो सारी मतलब गिर सकती हैं। तो जो ऊपर चीनी थी हमने उसे इस तरह से निकाल लिया है। अब हम इसमें और डाल देंगे इस तरह से, फिर हम इसे घुमा लेंगे जिससे ये आसानी से नीचे चली जाए। इसी प्रोसेस में हम इसे बार बार ऐसे करते रहेंगे, डालते रहेंगे, और जो ऊपर वैसा रह जाएगा उसे निकालते रहेंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल फाइन पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो हमें ऐसा ही पाउडर चाहिए था बिल्कुल फाइन। तो अब हम इसमें धीरे धीरे कर जो हमने पानी दिया था वो डाल देंगे। हम इसमें एकदम से पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे कर ही डालेंगे ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसमें से मैंने थोड़ा सा पाउडर निकाल लिया था ताकि हमें आगे भी इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब हम इसमें फूड कलर डाल देंगे, जब बाई चांस वो ज़्यादा डल जाए थोड़ा लाइट कलर करने के लिए, और बाय चांस ये पतला हो जाए, तो उसके लिए आप भी हमेशा इसमें से थोड़ा सा, जब भी आप बनाएं थोड़ा सा जो पाउडर है वो निकाल के साइड में रख लें। और अगर आपको ना ज़रूरत पड़े तो आप उसे इसमें फिर भी डाल लें। जब तक ये थोड़ा टाइट नहीं हो जाता जब तक हम इसमें डाल लेंगे पाउडर। हमें इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी आ जाए तब आप इसमें एक चम्मच और डाल लें बस। अब हम इसमें सिर्फ एक ही चम्मच डाल लेंगे। देखिए अब ये बिल्कुल हार्ड होना शुरू हो गया, हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी हमें। देखिए ये जब हमें नीचे डालें ऐसे ही इस तरह से गिरे, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे। फूड कलर फिर हम फूड कलर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है। अब हम अगर आपके को ज़रूरत है थोड़ा लाइट कलर करना है तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। मुझे इसका थोड़ा सा लाइट कलर करना है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें और डाल दिया है पाउडर। देखिए अब ये बिल्कुल ठीक है। अब बचा हुआ जितना भी था वो मैंने सारे इसी में डाल दिया है। तो अब हम इसमें एक इस टाइप की एक प्लास्टिक ले लेंगे। फिर हम इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे, पूरा इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे।
जो भी इसमें हमारा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। इसे अब हम थोड़ा पेस्ट कर लेंगे टेप से। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमारा पेस्ट था वो हम इसमें डाल लेंगे इस तरह से धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो नीचे जो हमारा वो हॉल है उसके अंदर से ये सारा पेस्ट निकल जाएगा। हमें इसे इस तरह से थोड़ा टेढ़ा ही रखना है। अगर हम इसे सीधा रखेंगे तो सारा का सारा पेस्ट निकल जाएगा नीचे की तरफ। देखिए इस तरह के हमारा मेरा थोड़ा सा पेस्ट निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे मैंने अब एक प्लास्टिक का जो एक जैसे हमने प्लास्टिक का ये नोस्टल बनाने के लिए लिया था वैसे ही मैंने ले लिया है। इसके ऊपर मैं इनसे शेप बना रही हूँ। अब इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं, कोई भी लाइन बना सकते हैं, डॉट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। आप कोई भी शेप बनाने चाहे तो डॉट बना ले, हर्ट बना ले या कुछ भी। मैं अभी यहाँ पे लाइन बना रही हूँ। एक मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट्स वगैरह ले लूँगी। कोई भी आप चीज़ बना सकते हैं इससे।
थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप इसे 10 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए कितनी भी देर के लिए रख सकते हैं। तो देखिए अब मेरा बिल्कुल अच्छे से ये जम चुका है। मैं इसे हमें ये बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से निकालना है, नहीं तो जैसे हमने जो भी ये शेप बनाई है, हर्ट बनाई है, जो भी हमने ये शेप बनाई है, ये टूट जाएंगी। आप इस तरह से स्पून की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जब ये अच्छे से जम जाए, जब भी आप इसे निकाले, जब ये अपने आप निकलने लगे, आप नीचे एक बार ही टैप करके देख लेना। ये मैंने एक और कलर बनाया था, ये मैंने विदाउट कलर बनाया था नॉर्मल। इसमें मैंने कोई फूड कलर यूज़ नहीं करा है। तो जो मैंने विदाउट एनी फूड कलर बनाए थे वो मैंने एक कटोरी में निकाल ली हैं। अब हम जो मैंने रेड वाले बनाए थे अब हम उनको भी निकाल लेंगे। तो अब हमने ये रेड वाली भी जो हमने स्प्रिंकल्स बनाई थी वो भी मैंने निकाल ली है। देखिए ये कितनी क्रंची लग रही है देखने में ही। आप ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।